1341 करोड़ 52 लाख के अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। अनुपूरक बजट की जरूरत को लेकर विपक्ष सवाल उठाएंगे। प्रश्नोत्तर काल में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, लोक स्वास्थ्य मंत्री गुरु रुद्र कुमार, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से संबंधित विभागों पर चर्चा होगी। ध्यानाकर्षण में 43 मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। ध्यानाकर्षण में प्रमुख रूप से बुनकर समितियों को कच्चा माल यानी सूत उपलब्ध नहीं कराने, अटल नगर विकास प्राधिकरण में व्याप्त अनियमितता, अवैध रूप से हुक्का बार का संचालन, अधिकारियों द्वारा शासन की पूर्व अनुमति के बिना विदेश यात्रा और प्रदेश में डिजिटल शिक्षा के लिए निविदा शर्तों का उल्लंघन। इसके साथ ही बेलाडीला स्थित डिपॉजिट 13 नंदराज पहाड़ी क्षेत्र में निजी कंपनियों द्वारा वृक्षों की अवैध कटाई जैसे तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। प्रदेश के कोरबा जनजाति क्षेत्र में आवासीय विद्यालय की स्थापना किए जाने के संबंध में भी अशासकीय संकल्प किए जाएंगे प्रस्तुत। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए स्वराज संवाददाता रायपुर से हेमंत शर्मा जुड़ चुके हैं। हेमंत, आज विधानसभा की कार्रवाई में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर प्रश्न पटल पे प्रश्न रखे जाएंगे, तो क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास है आज? देखिए शरद, छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है और आज अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। कल जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में 1341 करोड़ 52 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया था, तो आज उस पर चर्चा होनी है क्योंकि आज मानसून सत्र आखिरी दिन भी है। और ये पिछले दो दिन की अगर बात की जाए तो सरकार की एक कवायद थी कि जो शासकीय काम है वो पूरे किए जाएं, तो कल अनुपूरक बजट पेश किया गया, आज अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। इसके अलावा अनुपूरक बजट पर जरूरतों को लेकर जो विपक्ष है वो सवाल उठाएगी, सरकार को सदन में घेर सकती है। कल ही जैसे ही अनुपूरक बजट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पेश कर रहे, तो बीच बीच में टोका टाकी जो भाजपा के विधायक हैं उनके तरफ से देखने को मिली थी। इसके अलावा आज ध्यानाकर्षण की अगर मैं बात करूं तो 43 से ज्यादा मुद्दे ध्यानाकर्षण में लगाए गए हैं। अगर जिस तरीके से सबसे जो प्रमुख मुद्दा है और बीजेपी ने अपनी जो रणनीति बनाई थी उसमें इस मुद्दे को शामिल किया था, जो बुनकर हैं, बुनकरों को सूत नहीं मिल रहा, उनकी जो दैनिक जीवन है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसमें दिक्कतें आ रही है, पालन पोषण में उनके दिक्कत आ रही, सूत उनको नहीं मिल रहा क्योंकि बुनकरों का आधार सूत ही होता है और सूत के जरिए वो अपना व्यवसाय करते हैं, तो ये प्रमुख मुद्दा है। इसके अलावा बेलाडीला खदान में जिस तरीके से पिछले दिनों आदिवासियों ने प्रदर्शन किया था उसको लेकर भी यहाँ पर ध्यानाकर्षण के जरिए यहाँ पर उठाया जाएगा। लेकिन इस पूरे सत्र की मैं बात करूँ तो जो विपक्ष है, बीजेपी के जो विधायक हैं, वो पूरी तरीके से आक्रामक नजर आए। कल जिस तरीके से मिड डे मील और जो आंगनबाड़ी है वहां पर अंडा बांधने का जो फैसला सरकार ने लिया है उसका विरोध तो सड़क पर दिखाई ही दे रहा है, लेकिन सदन दिन भर कल जो अंडे का जो मामला है उस पर दिन भर कल गरमाया रहा। तमाम विपक्ष के विधायक हैं, उन्होंने सीधे तौर पर सरकार पर ही सवाल उठाया कि बिना अंडे के कुपोषण बच्चों का दूर हो सकता है। हालांकि सरकार की राय थी कि अंडे के तौर पर विकल्प दिया गया है, अंडे अगर कोई बच्चा अंडा लेना नहीं चाहता है तो केला भी ले सकता है, दूध भी ले सकता है और जो सोयाबीन है उसका वो भी ग्रहण कर सकता है। तो तमाम चीजों को लेकर कल सदन गरमाया हुआ था और आज अब अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी है और अब देखा जाए तो आज अंतिम दिन है और कई मुद्दों को लेकर बीजेपी आक्रामक आज नजर आने वाली है। हेमंत, यदि माना जाए कि जिस तरह से प्रमुख रूप से जो मांग है बुनकर समितियों को कच्चा माल यानी कि सूत उपलब्ध नहीं कराने जैसी भी कुछ शिकायतें हैं, साथ में अटल नगर विकास प्राधिकरण में व्याप्त अनियमितता भी ऐसे मुद्दे हैं और हुक्का बार के संचालन, मतलब कुछ देखा जाए तो कई तरह के ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर भी सवाल उठाए जा सकते हैं, तो क्या कुछ आज स्थिति बन सकती है छत्तीसगढ़ विधानसभा में? देखिए, सबसे पहले प्रश्नकाल की मैं अगर बात करूं तो प्रश्नकाल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो विभाग है, इसके अलावा मोहम्मद अकबर और जो मंत्री हैं पीएचई मंत्री रुद्र कुमार, उनके विभागों के सवाल जवाब आज होंगे। कई विधायकों ने ढेर सारे सवाल वहां पर लगाए, लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात है कि यह है कि पूरे सदन में पूरे सत्र में देखा जाए तो सबसे ज्यादा सवाल
कांग्रेस यानी सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही लगाए थे, चाहे वो अलग अलग क्षेत्र के विधायक हों, लेकिन बीजेपी के विधायकों से ज्यादा सवाल कांग्रेस के विधायकों ने लगाए थे। तो आज इन विभागों में के सवालों पर चर्चा होगी। इसके अलावा ध्यानाकर्षण में जिस तरीके से बैला डीला और जो बुनकरों का मामला है वो जोर जोर से उठेगा, क्योंकि अभी वर्तमान स्थिति में सबसे बड़ा मुद्दा है और खासतौर पर बुनकरों को कच्चा माल सूत नहीं मिल रहा, तो ज्यादा परेशानी उनको नजर आ रही है। तो ये सभी चीजें आज के जो ध्यानाकर्षण का जो मुद्दा है उसमें शामिल है। सबसे पहले प्रश्नकाल, प्रश्नकाल के बाद ध्यानाकर्षण में तमाम जो विधायक हैं जिन्होंने ध्यानाकर्षण में जो मुद्दे उठाए हैं उस पर चर्चा होगी और कई तरह के जो मसले हैं वो सामने आ सकते हैं। यानी कि माना जाए कि 43 से भी ज्यादा ऐसे मुद्दे जिनको ध्यानाकर्षण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। बहरहाल हेमंत, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि आज जो विधानसभा है वहां पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिनमें हम बात करें, बेलाडील स्थित डिपॉजिट 13 की, नंदराज पहाड़ी क्षेत्र में निजी कंपनी द्वारा वृक्षों की अवैध कटाई की, प्रदेश में अवैध शराब बिक्री सहित विभिन्न मुद्दों पर आज चर्चा होगी। इसके साथ ही प्रदेश के कोरवा जनजाति क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय की स्थापना किए जाने संबंधी अशासकीय संकल्प भी प्रस्तुत किए जाएंगे।